हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे, इंटरनेट और इंटरनेट का। राइट, ये डायग्राम है। अब देखो, इंटरनेट का यूज़ लगभग हम सभी लोग करते हैं, चाहे फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में। और इंटरनेट, आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, जो भी मतलब जैसे आपने फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, उन सब के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करते हो। और नेक्स्ट बात आती है हमारी इंट्रानेट की। मेन काम इन दोनों का है इंफॉर्मेशन को शेयर करना। आप जैसे यूट्यूब चलाते हो तो उसमें क्या होता है, जो भी गाने या वीडियोस अपलोडेड होते हैं वो एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में। राइट, तो आप क्या कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो पब्लिकली, और उस पब्लिक वीडियो को या सॉन्ग को हर कोई एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो इंटरनेट पे अपलोडेड है। अब बात आती है अगर इंट्रानेट की, तो उसमें जो भी डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है उसको पब्लिकली शेयर नहीं किया जाता। इंट्रानेट जो है वो इंटरनेट का ही एक छोटा पार्ट होता है जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल या कॉलेज हो गया या फिर बैंक हो गया। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन को हम बाहर पब्लिकली एक्सेस नहीं करवाते, इसकी इंफॉर्मेशन को ना ही सेंड करते हैं। ठीक है, सो जो इंटरनेट है ये एक पब्लिक नेटवर्क होता है और इंटरनेट जो है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट पे जो भी डाटा उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और उसका गलत यूज़ कर सकता है, जबकि इंटरनेट को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये किसी बंदे का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल इंटरनेट होता है या नेटवर्क होता है, जिसको वो चाहें उसी को वो एक्सेस करवाते हैं। ठीक है, अब फेसबुक पे आप कोई भी पोस्ट डाल दो, जैसे आपने सेटिंग रखी होगी कि आपके पोस्ट को आपके फ्रेंड देखेंगे या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड या जिस भी वे से आपने रखी होगी, उस वे से आपका डाटा जो है कोई बंदा एक्सेस कर सकता है। राइट, बट इंटरनेट में ऐसा नहीं है। इसमें मतलब इसके डाटा और इंफॉर्मेशन को कनेक्ट होने के लिए यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसके साथ कनेक्ट होना ज़रूरी होता है, और आप ऐसे ही इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ये दोनों ही नेटवर्क जो है TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। TCP/IP, HTML या HTTP, सब कुछ इस पे प्रॉपरली वर्क करता है। डिफरेंस इतना है कि जो इंटरनेट है वो पब्लिक होता है और जो इंटरनेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट को आप सिंपली एक लैन बोल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। उसमें सिंपली क्या होता है कि कुछ कंप्यूटर्स जो हैं किसी रूम के, या फिर सपोज कोई कंपनी है उसके एक दो रूम हैं, तो उसमें जितने भी कंप्यूटर हैं उसको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और उन सब की इंफॉर्मेशन सिर्फ उन कंप्यूटर्स के बीच में ही एक्सचेंज होती है, सेंड और रिसीव होती है। वहाँ का डाटा जो कहीं भी बाहर नहीं जाता है और उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और जो बैंक होते हैं स्पेशली इंट्रानेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी किसी भी टाइप की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली लीक हो, या मतलब उनके डाटा का कोई गलत यूज़ करे। ठीक है, तो अभी हम डेफिनेशन पे चलते हैं। सो इंटरनेट के लिए हम सिंपली लिखेंगे, द इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट इनेबल पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यानी एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क, जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट में क्या होता है कि आपकी दुनिया के जितने भी मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस हैं, आपके फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी है, जो आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और छोटे छोटे नेटवर्क्स लाइक लैन और मैन आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो एक सिंगल नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क या फिर इंटरनेट बोलते हैं। उसमें सिंपली क्या होता है,
कि जितने भी लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बात आती है इंटरनेट की, तो इंटरनेट एक टाइप का लोकल और रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है। लोकल यानी इसका कोई मालिक होता है, ठीक है। दैट इनेबल पीपल टू स्टोर ऑर्गेनाइज एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी होता ये भी इंटरनेट के जरिए ही है, मतलब इंटरनेट की तरह ही होता है इसका काम भी। जैसे इंटरनेट होता है मेनली काम होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना, कम्युनिकेट करना, और वैसे ही आपका इंटरनेट करता है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करता है, ये मेन डिफरेंस है। ये पब्लिकली ये काम नहीं करता, ठीक है। ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ये सिंपली क्या करता है, एक लैन बनाते हैं, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और उनके बीच में ही सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर होती है, और उस इन्फॉर्मेशन को वो अपने हिसाब से स्टोर कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है। अभी हम इनके डिफरेंस देख लेते हैं। और सबसे पहले इंटरनेट एंड देन इंटरनेट। सो फर्स्ट पॉइंट इज द इंटरनेट इज़ ए पब्लिक नेटवर्क, यानी आपका जो इंटरनेट है एक पब्लिक नेटवर्क है, और इंटरनेट में हम देखेंगे द इंटरनेट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी इसका कोई मालिक होता है और अपने हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखा जाए तो जो इंटरनेट होता है उसका कोई भी मालिक नहीं होता है, ठीक है। कोई बंदा या कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करती है, पर जो इंटरनेट होता है इसको हम और आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमने मतलब एक टेक्निक यूज़ की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लाइक कंपनी या स्कूल या कॉलेज के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को ही आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा एक टाइप का प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है और हम इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, और ये भी इंटरनेट की तरह ही काम करता है, कम्युनिकेट करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। एनी वन कैन एसेस द इंटरनेट, हर कोई इंटरनेट का यूज़ कर सकता है। ओनली द मेम्बर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी कैन एसेस द इंटरनेट। अब देखो जो इंटरनेट होता है इसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। इंटरनेट को वही बंदा यूज़ करेगा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगा, जैसे स्कूल और कॉलेज का। देन अनलिमिटेड यूजर्स, अब इंटरनेट के अनलिमिटेड यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इंटरनेट में लिमिटेड यूजर्स होते हैं, यानी आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं या कितने कंप्यूटर्स हैं, उतने ही यूजर्स जो हैं इंटरनेट नेटवर्क में हो सकते हैं। इंटरनेट इज़ लेस सिक्योर, आपका जो इंटरनेट है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। मतलब गलत बंदे लाइक हैकर्स वगैरह आपकी इंफॉर्मेशन को गलत वे से यूज़ कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, कुछ भी गलत फलत कर सकते हैं वो, ठीक है। और जो इंटरनेट होता है वो कम्प्लीटली सिक्योर होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करता है, बाहर की दुनिया से ये इसका कोई लेना देना नहीं होता है, पब्लिकली कोई भी इंफॉर्मेशन ये शेयर नहीं करता है। सो इंटरनेट इज़ ए ह्यूज नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ लैन मैन एंड वेब। जो इंटरनेट होता है ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो कि लैन मैन और वैन को मिलाकर बनता है। इंटरनेट इज़ मोस्टली डिपेंडेड ऑन लैन, और जो इंटरनेट है ये लैन पे डिपेंडेड है, यानी एक टाइप का ये लैन होता है और उसमें जो कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं उसी नेटवर्क को हम इंट्रानेट बोलते हैं। देर इज़ नो ओनर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है, कोई उसका मालिक नहीं है, और इंट्रानेट हैव सम ओनर्स, इंटरनेट के मालिक हो सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ वे टू शेयर द इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेट का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया में शेयर कर सकते हैं, और इंटरनेट इज़ अ वे टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेट के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंग्लिश में, अभी हम हिंदी में देखेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट एंड व्हाट इज़ इंट्रानेट। सो ये
एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे कंप्यूटर जो है ग्लोबली कनेक्टेड हैं, यानी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, और ये कोई छोटी मोटी कंपनी है या सपोज आपका बैंक है, और उसके जितने भी कंप्यूटर वही आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, ये इनका अपना पर्सनल नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क है, और इसके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो सिर्फ इनके बीच में शेयर होगी, ठीक है। बाहर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है ये शेयर नहीं करते हैं। और सो इनकी डेफिनेशन देखिए हम, तो इंटरनेट कंप्यूटर का एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क है जो लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करने और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है। यानी इंटरनेट में बेसिकली क्या होता है कि सारे ग्लोबली जितने भी कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये सब पॉसिबल हो पाता है इंटरनेट के ज़रिए। इंटरनेट की बात करें तो ये एक लोकल और रजिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है जो लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, यानी कोई संस्था है, संगठन है, लाइक कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसके अंदर ही लोगों को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, ठीक है। इसमें आप डिफरेंस दे लगते हैं आप। सो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है, यानी पर्सनल नेटवर्क होता है, कोई भी इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। एनीबडी कैन यूज़ द इंटरनेट, एंड केवल कॉलेज और विश्वविद्यालय के सदस्य ही इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। यानी इंटरनेट जैसे कि एक पर्सनल नेटवर्क होता है, अगर किसी का पर्सनल नेटवर्क है तो वो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि उनके नेटवर्क को सिर्फ उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के बंदे ही यूज़ करें, ठीक है। सो बाहर का बंदा इनको एक्सेस नहीं कर सकता है। और सीमित उपयोगकर्ता, इसमें काफ़ी ज़्यादा यूजर्स हो सकते हैं और इनके यूजर्स जो हैं वो सीमित लिमिटेड होते हैं, यानी जितने कंपनी के बंदे हैं उतने ही यूजर्स होंगे। इंटरनेट कम सुरक्षित है, ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, जबकि इंटरनेट पूरी तरह से सुरक्षित होता है। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जिसमें लैन, बैन और वैन शामिल है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें ये लैन, मैन और वैन सभी शामिल रहते हैं, और इंटरनेट ज़्यादातर लैन पर डिपेंडेड होता है, ठीक है। एक लैन में मतलब एक लैन बनाने के लिए हम जो भी कंप्यूटर्स या पेरिफेरल डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं, सर्वर का यूज़ करते हैं, उन सबको ये मिला के हम उसको इंट्रानेट बोलते हैं। यानी आपका जो लैन नेटवर्क है उसको आप सिंपली इंट्रानेट का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो आपस में इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं वो विद इन उस लैन के अंदर ही इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, और इंटरनेट के मालिक हो सकते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट दुनिया भर में जानकारी शेयर करने का एक तरीका है। इंटरनेट संगठन के भीतर जानकारी शेयर करने का एक तरीका है, यानी दोनों का काम एक ही है, दोनों TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, HTTP दोनों में काम करता है। फर्क बस इतना है कि एक में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हम ग्लोबली पूरी दुनिया में शेयर कर सकते हैं, और एक में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो काम करता है, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।